Hello, wonderful people. It's been a long time. I got shifted to Bhubaneswar, and because we are in the city of temples, चलिए मंदिरों से ही शुरुआत करते हैं. So basically, these temples are located around the old part of the city. And second thing is their proximity. Yani, at one go you can cover more than two temples. For example, Brahmeshwar temple, Megheshwar temple, Bhaskareshwar temple, and Rajarani temple. इन सारे मंदिरों को आप एक ही बार में कवर कर सकते हैं क्योंकि ये आसपास है. उसी तरह लिंगराज टेम्पल, बिंदुसागर लेक, अनंत वासुदेव टेम्पल, परशुरामेश्वर टेम्पल एंड मुक्तेश्वर टेम्पल कैन बी कवर्ड एट वन गो. इसके अलावा कुछ और मंदिर हैं जैसे मौसीमा टेम्पल, रामेश्वर टेम्पल. सो वी नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली. तो आइए आप और मैं मिलकर अपने इस धरोहर को थोड़े और करीब से देखते हैं. Let's get started. Google can provide enough of information about these temples, but what I am going to share is my experience and my observation. The temple was built somewhere between 9th to 10th century, and I think it is one of the biggest temple in Bhubaneswar. Our temple hopping cannot be complete without Lord Jagannath, although this temple is dedicated to Lord Shiva. इस मंदिर के अंदर एक विशालकाय शिवलिंग है, शायद मेरे हाइट से भी ज़्यादा ऊंचा है. अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया. भास्करेश्वर टेम्पल रिमाइंड्स मी ऑफ द खजुराहो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम मध्य प्रदेश, बिकॉज मोगली की एक एनिमेशन मूवी आई थी जिसमें कुछ एंशियंट टेम्पल के रुइंस दिखाए गए थे. ये मंदिर कुछ कुछ वैसा ही लगता है. राजा रानी ही एक ऐसा टेम्पल है जिसके अंदर प्रवेश करने के लिए आपको 25 रुपए की एंट्री टिकट कटवानी होती है.
रेड एंड येलो सैंडस्टोन्स वेर यूज्ड टू बिल्ड दिस टेंपल। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस सैंडस्टोन की वैरायटी को राजरानियाँ कहते थे, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम राजा रानी रखा गया। और यही वो मंदिर है जहाँ एट प्रेजेंट किसी देवी या देवता की पूजा नहीं होती। सौभाग्य से मुझे इस मंदिर के गर्भगृह तक प्रवेश करने का मौका मिला। इस मंदिर से एक अलग तरह की ऑरा निकलती है। और नेचर को मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। इन सभी मंदिरों में जो चीज़ कॉमन थी वो है बड़े बड़े लॉन और वेल मेंटेन्ड गार्डन्स। हर मंदिर के गेट के सामने ASI लिखा होता है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन की जाती है। रामेश्वर मंदिर के ठीक सामने भरतेश्वर, लक्ष्मणेश्वर और शत्रुघ्नेश्वर मंदिर है। स्वागत है आप सबका ब्रह्मेश्वर मंदिर के प्रांगण में। इस मंदिर को देखने से हमारी पुरानी इतिहास की यादें ताज़ा हो जाती है। मम्मी तो नेचुरल ब्लॉगर निकली। एनीवेज, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपके सामने जल्द आऊँगा एपिसोड 2 लेकर। मिस यू बाबा जी।